छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हर 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 हर। हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक अखिल विश्वामध्ये ज्यांनी राजा कसा असावा याचा वास्तुपाठ आपल्याला दाखवला, ते आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। ज्यांच्याबद्दल असं म्हटलं जातं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था, असे छत्रपती संभाजी महाराज यांनाही मानाचा मुजरा करतो। आणि आजच्या या जयंतीच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित झालेले महाराष्ट्राचे शिवभक्त लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, या कार्यक्रमामध्ये ज्यांच्या येण्यामुळे कार्यक्रमाला विशेष शोभा आली, ते श्रीमंत छत्रपती उदयन महाराज भोसले, रावसाहेब पाटील दानवे, एस पी सिंग बघेल जी, माननीय सुधीरभाऊ मुनघंटीवार जी, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करण्याकरता अक्षरशः जंग जंग पछाडलं आणि हा कार्यक्रम आयोजित केला, ते आमचे मित्र विनोद पाटील जी, श्री विकास खारगे जी, श्री गिरिराज जी, श्री विद्याधर पवार जी, श्री आस्तिक पांडे जी, लोकप्रिय कलावंत प्रवीण तरडे जी, मंगेश देसाई जी, गायक नितीन सरकटे जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना 394 व्या शिवजयंती समारोहाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि खरोखर हे माझं सौभाग्य समजतो की आज आग्र्याला या किल्ल्यामध्ये शिवजयंती साजरी करण्याकरता मला देखील येता आलं। मी खरोखर मनापासून विनोदजी तुमचे आणि सुधीरभाऊ तुमचे आणि अर्थातच आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो। लोक कहते की एक कार्यक्रम दीवाने आम में हो रहा है, ये उस दिन तक दीवाने आम था जब तक छत्रपति यहां नहीं पहुंचे थे। जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के कदम यहां लगे, ये दीवाने आम नहीं रहा, ये हमारे लिए दीवाने खास ही हुआ। इसलिए दीवाने खास में ही ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। और मैं तो जब से यहां पहुंचा हूं, वो चित्र मेरे सामने आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर चलते चलते हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज सीना तान कर चलते हुए आए, साथ में छत्रपति संभाजी महाराज छोटे से उनके साथ में थे और एक राजा की तरह सामने खड़े हुए, और जब उनको छोटे छोटे सेनापतियों के साथ खड़ा किया तो डरे नहीं। जिसको हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता था, उस औरंगजेब को भी उन्होंने कहा, अगर तू बादशाह है तो मैं भी बादशाह हूं, मैं यहां पर खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं मेरे स्वराज का बादशाह हूं। मेरा स्वराज जो एक ऐसा स्वराज है जिसमें स्वाभिमान से बड़ी चीज कोई नहीं है, और यह छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं है, ये उस स्वराज का अपमान है। इसलिए मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुक सकता, ये कहकर जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकले, ऐसा कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वो रूप देखकर उस दरबार में जितने लोग खड़े थे सारे के सारे स्तब्ध थे, निशब्द थे। छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए, कोई हिला नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा था,
लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है जिसमें इतनी हिम्मत है कि जिसको बादशाह कहते हैं उसके मुंह पर कहता है और निकल जाता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत थी, ये उनका तेज था, ये उनका ओज था। और जब महाराज को नजर कैद में रखा गया, महाराज इतने होशियार थे, उनको रणनीति मालूम थी, उनको युद्ध नीति मालूम थी। महाराज ने पहले ही अपने सारे गुप्तचरों को रखा था। महाराज को यह पता था कि कुछ लोग बादशाह को जाकर कहेंगे कि इन्हें जीवित मत रखिए, इन्हें मार दीजिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक दिन में यहां आगरा में उनके सारे के सारे सेनानियों ने, मावलों ने 74,000 रुपए जमा किए। और हम सब जानते हैं मुगलों की फौज और उनके सेनापति ये तो सारे वेतन भोगी थे, वो देश के लिए नहीं लड़ते थे। महाराज के लोग ये देश के लिए लड़ते थे, देवो देश और धर्म के लिए लड़ते थे। उन्होंने ये पैसा जमा किया और महाराज के कहने पर इस प्रकार से वो सारे लोगों को अपनी ओर किया कि जब दूसरे दिन वो औरंगजेब के दरबार में कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने कहा आपके साथ जिस धृष्टता से शिवाजी ने व्यवहार किया है ऐसे शिवाजी को आप मौत की सजा दीजिए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ही ऐसे लोग तैयार किए थे कि जिन लोगों ने कहा अरे नहीं महाराज, आप अगर छत्रपति शिवाजी को मृत्यु दंड देंगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा राजा एक छोटे से व्यक्ति से डर गया और उनकी बातों में औरंगजेब आ गया। औरंगजेब को पता नहीं था, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मौत के फरमान को छोड़ा है। उसी औरंगजेब को बाद में महाराष्ट्र की मिट्टी में ही अंतिम सांस लेनी पड़ी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ओज था, यह उनका तेज था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में ये जो किला है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य तैयार किया, छोटे छोटे लोगों को साथ में लेकर उनके मन में एक प्रकार से जीत की भावना तैयार की, उनके पौरुष को जागृत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको बताया आप व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे, आप देव देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आप वेतन के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं किसी को राजा बनाने के लिए नहीं, आप इसलिए लड़ रहे हो कि हमारी मराठी भूमि पर और हमारे भारत में हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, अनाचार होता है, दुराचार होता है, उसमें से मुक्ति देने के लिए आप लड़ रहे हो। और ऐसे हमारे ये छोटे छोटे मावड़े, इनमें इस प्रकार का तेज और ओज छत्रपति शिवाजी महाराज ने भर दिया। वो मावड़े न रुकते थे, न थकते थे, न झुकते थे, न बिकते थे। उन्होंने मुगलों की लाखों लाखों की सेनाओं को पराजित कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को पहली बार स्वराज का छत्रपति नमित करने का काम हमारे इन मावड़ों के माध्यम से हुआ। इसलिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। अगर छत्रपति ना होते, ना आप होते, ना हम होते, अगर छत्रपति ना होते तो भारत का इतिहास भी बदल जाता, भारत का भूगोल भी बदल जाता। इसलिए उनको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। समय बहुत हो गया है और हमें मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुनना है, लेकिन हमारे महाराज उदयन राजे जी ने और हमारे बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी बहुत सुंदर बात हमारे सामने रखी है। जहाँ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कदम पड़े, यहाँ से वो गए तो जहाँ जहाँ से वो गए और स्वराज में जहाँ जहाँ पर वो गए, जैसे हम लोग रामायण ट्रेल तैयार कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वराज्य की, छत्रपति जी की एक ट्रेल हम तैयार करें। ऐसे सभी जगहों को चिन्हित कर वहां पर उसका इतिहास हम रखें और उस इतिहास से
हम लोग हमेशा प्रेरणा पाए, यही मैं आज के मौके पर कहता हूँ। और विशेष रूप से सुधीर भाऊ आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे स्वराज्य के दान पट्टा को आज राज्य शस्त्र के रूप में यहाँ पर एक जीआर के माध्यम से नमित किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ हमारे विनोद पाटिल जी का। विनोद पाटिल जी, आपने ये जो दिन हमको यहाँ पर दिखाया, मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आज आपने हमको यहाँ पर दिया है, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय शिवराय।